बहराइच में भेड़िये का आतंक अब तक पसरा हुआ है। अब तक 5 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है और छठा लंगड़ा सरदार फरार है। छठा भेड़िया इतना चालाक है कि उसे पकड़ने के लिए वन विभाग के पसीने छूट रहे हैं। लंगड़ा भेड़िया वन विभाग को इतना छका रहा है कि पिछले 5 भेड़ियों ने मिलकर भी इतना तंग ना किया होगा। छठे भेड़िये ने बीती रात एक बकरी को अपना शिकार बनाया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, छानबीन की गई, ड्रोन उड़ाया गया, भेड़िया दिखाई भी दिया, लेकिन कुछ ही देर में चकमा देकर वो अंधेरे में गायब हो गया। मामला सिसैया चूड़ामणि से कुछ ही दूर स्थित धोबियन पुरवा का है, जहां के निवासी रामकृष्ण की बकरी को भेड़िये ने मार डाला। बीते रोज यानी सोमवार को शाम तकरीबन 6 बजे भेड़िया दबे पांव आया। उस समय बकरी घर के सामने चर रही थी। मौके का फायदा उठाकर भेड़िया बकरी को उठा ले गया। इसी बीच गांव के एक अन्य निवासी ने भेड़िये को बकरी को मुंह में दबाकर ले जाते देखा। वो डंडा लेकर भेड़िये के पीछे भी भागा। हालांकि कुछ ही दूरी पर उनका पैर तारों में फंस गया और वो गिर पड़े। उन्होंने चिल्लाकर गांव वालों को इकट्ठा किया। लोगों की आवाज सुनकर भेड़िया भाग गया। कुछ ही दूरी पर बकरी भी मिली, लेकिन तब तक वो मर चुकी थी। स्थानीय लोगों ने घटना की आंखों देखी बयां की। ये रात में दिन रहा थोड़ा सा, तो ये वहाँ चल रही थी घर के सामने, और वहाँ आया, इसका नट्टी पकड़ा और लेके चल दिया, तो हम दौड़े पीछा किए कुछ दूर, उसके बाद तार में हम गिर गए तो ये लेके चला गया। यहाँ जब हम वहाँ चिल्लाने गन्ने में, तब दद्दा और दौड़े हैं 10-20 आदमी, तब सब आदमी इकट्ठा हुए हैं, तभी लोग आए हैं। भेड़िया भाग गया, ये मिल गया, बकरी मर गई। अभी 6 बजे के आसपास यहाँ से 60-70 मीटर की दूरी पर नदी की कछार की तरफ से भेड़िया भागता हुआ आया और एक बकरी को उठा करके गन्ने के खेत में घुस गया। जैसे ही सूचना मिली, हम लोगों ने सबको, वन विभाग को, पुलिस विभाग को, सबको सूचित करने का काम किया। DFO साहब भी आ गए और पूरी रेंजर आ गए, पूरी टीम आ गई, शूटर्स आ गए, हम लोग भी जिनके पास लाइसेंस है वो सब लेकर के आ गए, जिनके पास लाठी है वो लाठी लेकर के आ गए, जिनके पास जो भी था अपना लेकर के आ गए। 400-500 लोगों ने घेर करके एक तरफ जाल लगाया गया और उसको घेरा गया। बकरी तो बरामद हो गई गन्ने के खेत में, लेकिन भेड़िया अंधेरे का लाभ उठा करके या तो कहीं निकल गया या बीच में बड़ी झाड़ी है उसमें बैठा हो, ये नहीं कहा जा सकता। इस घटना के बाद बहराइच प्रभागीय वनाधिकारी अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर हमें तमाम इंतजाम करने पड़ते हैं, फिर भी सूचना मिलने पर हम तेजी से तैयारी करते हुए घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन भेड़िया अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। जिस बकरी पर उसने हमला किया है, अब भेड़िये को पकड़ने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। रात उसकी होती है जैसे दिन हमारा होता है, वैसे रात उसकी होती है, और शाम को बकरी उठाया। जब तक हम लोगों ने व्यवस्था की, तमाम व्यवस्था करनी पड़ती है, लोगों को अपने अपनी जगहों से बुलाना पड़ता है, जाल मंगाना पड़ता है, जनरेटर मंगाना पड़ता है, ड्रोन वालों को बुलाना पड़ता है, और सब लोग अलग अलग जगहों पर किसी न कहीं काम में लगे होते हैं, तो वो आने में उसमें भी थोड़ा सा 1 घंटा लग गया। फिर आते ही हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई बहुत तेजी से हुई, क्योंकि रात जल्दी तेजी से हो रही थी, तो हम लोग कोशिश किए, लेकिन वही है कि रात का जो है अंधेरे का लाभ उठा करके कहीं निकल गया और दिख नहीं रहा है। उसमें बकरी मिली है तो हो सकता है हम बकरी का कुछ यूज करें उसको पकड़ने के लिए, प्रयास करेंगे। गौरतलब है बहराइच से भेड़िये का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, अब गांव वालों के सब्र का बांध भी टूटने लगा है। हर कोई बस उसी दिन का इंतजार कर रहा है जब छठा लंगड़ा सरदार पकड़ा जाएगा।